HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची, हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। नौ निहालों को शिक्षा की राह दिखाते हैं हम। HM प्ले स्कूल रोड नंबर 13 द्वारिकापुरी लोअर चुटिया रांची। जेल से रिहा हुए आनंद मोहन को फिर से जाना पड़ सकता है जेल। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद बिहार की राजनीति में खलबली मची है। बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल 1994 में गोपालगंज के पूर्व डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आनंद मोहन को रिहाई मिलने के बाद अब जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। दिवंगत डीएम की पत्नी उमा ने याचिका दायर कर मांग की है कि आनंद मोहन को फिर से जेल भेजा जाए। उमा ने बिहार सरकार के नियमों के बदलाव के नोटिफिकेशन को भी रद्द करने की मांग की। उमा की दलील है कि आनंद मोहन को सजा हुई तब ये कानून बनाया गया था जिसमें बदलाव का प्रावधान नहीं था, लिहाजा अब बिहार सरकार द्वारा किया गया बदलाव 29 साल पहले दिए गए फैसले पर लागू नहीं होगा। जी कृष्णैया की पत्नी उमा ने तर्क देते हुए कहा, गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद को हुई आजीवन कारावास की सजा का मतलब उसके पूरे प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास है और इसे केवल 14 साल तक नहीं रखा जा सकता। पहले दोषी को फांसी की सजा हुई थी, फिर उसे उम्र कैद में बदल दिया गया, लेकिन अब सरकार उसकी रिहाई करा रही है। ये बिल्कुल सही नहीं है। अदालत का निर्देश सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और ये छूट के आवेदन से परे होना चाहिए। आपको बता दें कि सरकार ने 10 अप्रैल की कारागार नियमवली 2012 के नियम 481 I में संशोधन कर दिया। इसके तहत ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक की हत्या को अब अपवाद की श्रेणी से हटा दिया। पुराने नियम के तहत सरकारी सेवक की हत्या करने वालों को पूरी सजा से पहले रिहाई की छूट का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन नियम में संशोधन के बाद ऐसे अपराधियों के लिए भी अब छूट मिल सकेगी। इस नए नियम के तहत ही बिहार सरकार ने पिछले दिनों आनंद मोहन समेत 27 कैदियों की रिहाई की अधिसूचना जारी की थी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला था क्या। दरअसल बिहार के गैंगस्टर छोटन शुक्ला की 4 दिसंबर 1994 को हत्या कर दी गई थी, जिससे मुजफ्फरनगर इलाके में तनाव फैल गया था। इसके बाद 5 दिसंबर को हजारों लोग छोटन शुक्ला का शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे थे। तभी गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया वहां से गुजर रहे थे। गुस्साए लोगों ने पहले तो उनकी कार पर पथराव किया, फिर उन्हें कार से बाहर निकालकर पीट पीट कर मार डाला। इस मामले में आनंद पर आरोप लगा था कि डीएम की हत्या करने वाली उस भीड़ को आनंद मोहन ने ही उकसाया था। वहीं आनंद मोहन की बात करें तो उन्होंने 1990 में पहली बार जनता दल की टिकट पर महशी सीट से विधायक बने। देश में मंडल कमीशन लागू हुआ तो आनंद मोहन उसके विरोध में उतरे और राजपूतों के बीच मजबूत पकड़ बनाई। 1993 में आनंद मोहन ने बिहार पीपल्स पार्टी बनाई, जिसे स्थापित करने के लिए आक्रामक रुख अपनाया। वही वैशाली लोकसभा उपचुनाव में उनकी पत्नी लवली आनंद ने आरजेडी उम्मीदवार को हरा दिया था। हालांकि अब आनंद मोहन की रिहाई को लेकर राजनीतिक के कई अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार ने राजपूत वोटों में सेंध लगाने के लिए कदम उठाया है, तो वही लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आनंद मोहन की रिहाई पर सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर महागठबंधन सरकार के लिए आनंद मोहन इतने क्यों जरूरी है। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह, मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।